आज लाज रखना मेरी शरणागत प्रतिपाल, तेरा बल ही है मुझे ऐ प्रभु दीन दयाल। तुझी पर है उद्धार करेगा अब तू ही, भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना, रघुराय का कर लगते ही तिनके समान तू हो जाना। जिसका नाता सच्चा होता उसका छूटता नहीं नहीं, जिसका जिससे हो सत्य प्रेम वो उसे मिले संदेह नहीं। जिसे उठाने के लिए हर तरफ शोर होता है, उसे देखे अब किस तरह से चूर होता है। माता धन्य है जिसने अपनी कोख से ऐसा सुत जाया है। विधाता तुम धन्य हो, तुमने मेरी शंकाओं को मिटाया है, मेरी डूबती नैया को किनारे पर लगाया है। बेटा राम, ये परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम कीजिए। मुनिराज प्रणाम। चरण जीव रहो पुत्र, सदा सुखी रहो। महाराज प्रणाम। चरण जीव रहो, तुम्हारा कल्याण हो। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश नवाऊं चरण में करूं विनय हर बार। दया दृष्टि से हो गए पूर्ण हमारे कार्य, स्वामी को सीताय करो हाथ जोड़ प्रणाम। ऋषिराज प्रणाम। दूर रहे तुझसे सदा वेद पाठ और कला, जोग न वापे जग। कहो जनक, ये देश देश के राजागण मिथिलापुरी किस कारण पधारे हैं? जनक क्या कारण है, ये भीड़ भाड़ क्यों है, छेड़छाड़ क्यों है, अभी शोरगुल सा कैसा था? ऋषिराज, मैंने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया था और शिव धनुष तोड़ने वाले से सीता का नाता जोड़ा है। क्या कहा? धनुष का खंडन, धनुष का खंडन। ओ मिथिला पति, ओ शीघ्र बदला, धनुष को किसने तोड़ा है? सीता से नाता जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र बदला मुझको, वरना सब चौपट कर डालूंगा, जितनी पृथ्वी है तेरी सब उलट कर डालूंगा। इतना क्रोध ना कीजिए, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, वह काम यही कर सकता है। सेवक है वही, सेवा ही जिसका जीवन, जो बैरी सा कर्म करे वो इस परसे का भोजन। ए राम बना है अगवा तू,
इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में इसलिए मसलियां याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। शांत मुनिवर शांत, हमने तो खेल खेल में ऐसे कई धन में तोड़ डाले, परंतु किसी ब्राह्मण को इस तरह क्रोध खाते नहीं देखा। ओए मूर्ख बालक, तुझे इतना अभिमान, शंकर प्रमाण का तुझे इतना अपमान, क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता? यमराज का फंदा ही मेरा स्पर्श की धार है। भृगुकुल तिलकधारी तेजस्वी रूप, नहीं घबराने वाला यह रणभूमि भूख, भाई ने मीठे बोल कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, पहले ये बोल उठे इसलिए तो ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ही छैर निचोड़ा है, जो कुछ करना है आप कीजिए, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। और राजा के लड़के श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह कहना है राजपूतों का जो पहना चाहता है नवणे, इसलिए अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मणों में। बालक क्या हुआ तुझे, जो बात का अट्टा जाता है वो तक ब्राह्मण समझा, जो मुझे डांटा जाता है उसको सीधा ब्राह्मण ना जा। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी पाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे स्कूनी फर्शे से लहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में कई बार क्षत्रिय बना दिए। क्यों बूढ़ा फर्शा दिखलाकर क्षत्रिय कुमारों को डरा रहे? बलिहार मुनिवर आप तो फूकों से पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं फर्शे से जो डर जाएंगे, कोई लाजवंती के पेड़ लगी जो हाथ लगाए मूर्छा जाएंगे। बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है? जैसे पोलू के आगे बड़ों को मुनासिब है रखना बड़प्पन, झगड़ा है छोटों से कोरल लड़पन, जो संसार में अपना मान चाहते हो मुनिवर तो सीमा से आगे कदम ना बढ़ाओ, बच्चों की बोली में उचित ना अनुचित रहता है, यह तो गंगा का भाव है, जो कुछ भी आता है वह बहता ही जाता है। बस बस बहुत कर चुका काट, अब यह फरसा ही पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। तू किस माता जाया है जो इस फरसे से ना घबराया है? मैंने इस फरसे से अपनी माँ का संस्कार है। कसाईयों जैसा कर्म करने वाले को किसने ब्राह्मण बनाया है? ओ भृगुवंशी होश कर, लखन ने भी सर नहीं झुकाया है। क्या तुझे संसार में जीना दुख भारी हो गया है? मूर्ख बालक, अभी क्यों जीना भारी हो गया है? मुनिराज क्षमा करें, ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये नाते भी, वीरों का सा भेष देखकर कि इसने इतनी बातें भी, जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी दो मैं हूँ, ये सभी प्रकार निर्दोषी है सच्चा अपराधी दो मैं हूँ। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ ललकार, अलकार अपराधी के वास्ते है इस फरसे की धार। बूढ़े से मौन नहीं रह जाता, जिनका था उन्होंने तोड़वाया, तुम दोनों हाथ मले जाओ,
बिन बुलाए आए थे, अब बिन कहे ही चले जाओ। जो पितु के ऋण कारी हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋषण के कारण ही फिर एक बार हाथ उजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फर्ज से बलिदान करूंगा मैं। वो शूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुम्हीं को मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है, धिक्कार है उन हाथों पर जिसने माँ का सर काटा है। बस स्वामी बस, देखिए आपकी हर करतूत, करना धरना कुछ नहीं बस बातों से मजबूत। छोटा है पर पढ़ाई ठीक है, सोने के लोटे में विष है जो दूध में मिला के घोटा है। पंडित जी, हमें खरा खोटा कहने से क्या होता है, यह तो टूट चुका, यदि आप इसको जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए। है नहीं सवाल बाल वक्त का, जब ये खुद ही मरना जाता है, मत देना कोई दोष मुझे, अब ये फरसा फिरने जाता है। क्षमा करे मुनिराज, अब कुठार की शरण आया ये मात, यदि इसे काट भी दे तो क्या चिंता, यह अनुरागी है, न्योछावर गुरु के चरणों में शीश बढ़भागी है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, स्वामी ये कर्म हमारा है, हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं, मुनि राज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम सुन, तुम्हारी नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई मुझ में आती है। क्या तुम दोनों भाइयों ने मेरे विरुद्ध कोई साजिश तो नहीं रख सकती, एक अंगारे बरसाता है दूसरा पानी, वो घाव देता है और तुम मरम पट्टी करते हो। मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं बालको, वाक युद्ध अब हो चुका, अब बाढ़ युद्ध हो, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं पशु राम कहलाता हूँ, तू भी राम कहलाता है, मेरा ही नाम चुराकर मुझ पे धाक जमाता है। भिगुनाथ विनय हम करते जाते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितना नमते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं, इतनी हट इतनी झुंझुलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा मुनिवर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ ना हो जाए नाथ, सूर्य कुल में जन्म लिया धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मत ही रहते हैं हम। इसलिए कहते हैं फरसा ना दिखलाइए, इससे ना हम कभी डरते हैं, शस्त्र तो एक द्विज दर पर है जिसका हम आदर करते हैं। ये बाहर से गोरा भीतर से काला, ये जो कुछ भी कह रहा है राम तुम्हारे संकेत से कह रहा है। आग में हो तेज तो कोई पास आता नहीं, चंद्रमा हो दूध का तो ग्रहण में आता नहीं। मुनिराज शांति कीजिए, बच्चों की बातों को पूरा ना मानिए, यह तो बालक हैं, गुस्से से ना डराओ स्वामी, भूल जाए तो राह दिखाओ स्वामी। ऋषिराज अगर ये वास्तव में नारायण का अवतार है तो मेरा संदेह मिटाइए, ये लीजिए रामापति का धनुष, इस पे चिल्ला चढ़ाइए।
आइए रमापति, जैसे भी आपके मन का भ्रम मिटता है मिटाइए। दशरथ कुमार तुम धन्य हो, सारा भ्रम दूर हो गया, मन का अंधकार चूर चूर हो गया, इसमें संदेह नहीं राम अवतार हो गया, आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। राम ने क्षत्रिय समाज में राम राम की ज्योति जलाई है, बेटी सीता जय माला लाओ, बलवान और बलशाली को यूं खड़ा ना रहने दो, जोड़ी अटल रहे, जब तक सूरज चांद रहे, जब तक ये प्रीत अटल रहे,